नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के, इसमें जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा इस T20 मैच के ड्रीम इलेवन टीम की, और साथ साथ बात करेंगे जो लास्ट वनडे मैच खेली थी दोनों टीम उस वनडे मैच के प्लेइंग इलेवन और उसमें जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे उनके परफॉर्मेंस की। आपको बता दूँ जो जिम्बाब्वे की टीम है वो नीदरलैंड गई है दो ODI मैचों की सीरीज़ खेलने, दो T20 मैच खेलने। तो वनडे मैच तो खेल चुकी है आपको बता दूँ दोनों ही टीम, तो उसमें नीदरलैंड 2-0 से जीत गई है सीरीज़ को। और अब फर्स्ट T20 मैच है, दो T20 मैच शुरू होने वाला था, उसका फर्स्ट T20 मैच आज है, तो इसके ड्रीम इलेवन की टीम बात करेंगे। तो आपको बता दूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सके। और आपको तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता, तो प्लीज़ यार नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है बस उसके ऊपर आपको टच करना है, तो प्लीज़ यार टच कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के जो प्रीवियस लास्ट मैच में जो प्लेइंग इलेवन था लास्ट वनडे मैच में उस प्लेइंग इलेवन की। तो सबसे पहले बात करते हैं जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे का प्लेइंग इलेवन आप देख सकते हैं, हैमिल्टन मसकाजा, सोलेमोन मीर, क्रैक इरविन, ब्रेंडन टेलर, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, पीटर मूर, डोनाल्ड त्रिपानो, काइल जार्विस, संजय सतारा और असले एंड लोबू। तो ये था आपको बता दूँ जिम्बाब्वे का लास्ट वनडे मैच में प्लेइंग इलेवन, और उस मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे, रन बनाए थे आप देख सकते हैं, सिकंदर रजा ने 85 यानी 85 बनाए थे, क्रैक इरविन ने बनाए थे 84 यानी 84, ब्रेंडन टेलर ने बनाए थे 51 यानी 51। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिए थे आप देख सकते हैं, सीन विलियम्स ने लिए थे 4 विकेट, डोनाल्ड त्रिपानो ने लिए थे 2 विकेट और तेनरे चतारा ने लिए थे 1 विकेट। तो ये इनके लास्ट मैच के जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे वो थे, अगर इनको अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में रखना चाह रहे तो रख सकते हो। अब बात करते हैं नीदरलैंड के जो लास्ट ODI मैच में जो प्लेइंग इलेवन था आप देख सकते, टोबियस बीजे थे, मैक्स ओडाउन, बेन कूपर, साकिब जुल्फिकर, बेसले वर्सी, पीटर सिलार, स्कॉट एडवर्ड्स, विवियन किम्बा, बेंडन मोरे, फ्रेड क्लासेन और ब्रेंडन ग्लोवर। तो ये था आपको बता दो लास्ट ODI मैच में जो प्लेइंग इलेवन, उस मैच में जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे जिन बैट्समैन ने स्कोर रन बनाए थे, मैक्स ओडाउन ने 59 यानी 59 बनाए थे, बेंडन मोरे ने 57 यानी 57 बनाए थे, स्कॉट एडवर्ड्स ने बनाए थे 44 यानी 44 और विजी ने बनाए थे 41 यानी 41। और जिन बॉलर ने विकेट लिए थे, फ्रेड क्लासेन ने लिए थे 2 विकेट, विवियन किम्बा ने लिए थे 1 विकेट, ब्रेंडन ग्लोवर ने 1 विकेट, उसके साकिब जुल्फिकर ने 1 विकेट, पीटर सिलर ने 1 विकेट। तो ये थे इनके बॉलरों के परफॉर्मेंस, तो देख लीजिएगा इनको टीम में रखना चाहते तो रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम ड्रीम इलेवन टीम की, तो ड्रीम इलेवन टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में बता दो आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रेंडन टेलर, टीवीएस, स्कॉट एडवर्ड्स और मुतुम्बानी की। तो मुतुम्बानी को आप ना ले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मुतुम्बानी के खेलने के कोई चांसेस नहीं है। ब्रेंडन टेलर को मैंने ले रखा आप देख सकते हो, टीवीज या स्कॉट एडवर्ड, इनमें से भी किसी को ले सकते हो या फिर इन तीनों को भी आप ले सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना, तीनों विकेट कीपर के साथ जाना या फिर किसी एक के साथ जाना, मैं ब्रेंडन टेलर के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की, बैट्समैनों ने 4 बैट्समैन लिए, बेन कूपर को लिया, मैक्स ओडाउन को लिया, क्रैक इरविन और सोलेमन मीर को लिया। इसके अलावा आप ले सकते हो वरेसी को, मसकाजा आपके पास ऑप्शन है, पीटर मूर को आप ले सकते हो। तो एक कुछ ऑप्शन आपके पास व्यस्त है, और बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से आप ट्राई ना कीजिए, टॉस होने के बाद अगर इनमें से कोई खेलता तभी लीजिएगा, उससे पहले ना ले तो ये अच्छा हो। और जो 4 बैट्समैन मैंने लिया, अगर इनसे सेटिस्फाई तो इन चारों के साथ आप जा सकते हो। जो 4 बैट्समैन मैंने लिया, बेन कूपर है, मैक्स ओडाउन है, क्रैक इरविन है और सोलेमन मीर है। तो इन चारों से सेटिस्फाई, तो इन चारों के साथ जा सकते हो, अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं तो बेशक इनको चेंज करके बाकी के ऑप्शन में से ट्राई कर सकते हो। और बात करते हैं अब ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर बैंडन मर्वे को लिया, सीन विलियम्स को लिया, सिकंदर रजा को लिया मैंने। इसके अलावा जुल्फिकार को आप ले सकते हो, साकिब जुल्फिकार को, लास्ट ODI मैच में खेले थे तो इनको आप ले सकते हो, इनके खेलने के थोड़े बहुत चांसेस है, टॉस होने के बाद अगर खेलते तभी लीजिएगा। और जो 3 ऑलराउंडर मैंने लिया, अगर इनसे सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाइएगा, बैंडन मर्वे, सीन विलियम्स और सिकंदर रजा के साथ। और इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग के, तो बॉलिंग में मैंने पीटर सिलार को लिया, त्रिपानो को लिया है और विवियन किम्बा को किंगमा को लिया है। इसके अलावा आप एंड लोबू को ले सकते हो, बी ग्लोवर को ले सकते हो, ग्लोवर चतारा को आप ले सकते हो, ये खेले थे लास्ट मैच में, काइल जार्विस को ले सकते हो, फ्रेड क्लासेन को ले सकते हो। तो कुछ ऑप्शन आपके पास और बचते, आप उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, तो देख लीजिएगा उनमें से किसी को लेना तो ले सकते हो, या फिर जो 3 बॉलर मैंने लिया इन्हीं के साथ जा सकते हो, अगर इनसे सेटिस्फाई तो पीटर सिलार, त्रिपानो और बी किंगमा को। तो इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू, कैप्टन वाइस कैप्टन की।
यहाँ पे मैंने देख सकते हो सीन विलियम्स को कैप्टन बना, ब्रेंडन मर्फी को उन्हें वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा सिकंदर राजा को बना सकते हो, सोलेमन मीर आपका सा ऑप्शन है, ब्रेंडन टेलर हो गए, मैक्स ओडाउन हो गए, तो इनमें से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इरविन हो गए, कूपर हो गए, तो देख लीजिएगा आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, जो दो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, या बाकी के ऑप्शन में से किसी को बनाना, जो दो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इससे सेटिस्फाई, तो इन्हीं को बना दीजिएगा, सीन विलियम्स और ब्रेंडन मर्फी को। और इसके बाद लास्ट में अगर टीम पूरी देख लीजिएगा, अगर लगता है कि इस टीम में कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो बेशक उनको चेंज करके जो लगता है कि आपको परफॉर्म करेगा उनको अपने टीम में रख सकते हो। और लास्ट में अगर फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको प्रेस ही करना होता है, तो उसके ऊपर प्रेस कर दो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम11 टीम बनाने में, एंड हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, हमारा वीडियो प्रमोट हो जाएगा, तो प्लीज़ यार शेयर भी जरूर कीजिए। एंड आई होप इतना रिक्वेस्ट करता आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।